हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज मैंने एक नया सब्जेक्ट का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, थ्योरी ऑफ मशीन का, कैम एंड फॉलोअर्स। कैम एंड फॉलोअर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आज की वीडियो में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसके बाद आगे जो भी टॉपिक होंगे इस चैप्टर के, वो कम्प्लीट करेंगे अपन विथ न्यूमेरिकल्स। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि डेफिनेशन से अपन जानते हैं, इतना ही डेफिनेशन है इसमें कैम एंड फॉलोअर्स की। जैसे हम जानते हैं, कैम इज अ रोटेटिंग मशीन। कैम क्या है? एक रोटेटिंग मशीन है जो सर्कुलर मोशन करती है। एलिमेंट विच गिव्स रेसिप्रोकेटिंग एंड ऑस्किलेटिंग मोशन टू अनदर एलिमेंट नॉन एज फॉलोअर्स। कैम क्या है? एक रोटेटिंग मशीन एलिमेंट है जो कि सर्कुलर मोशन करता है और एक अदर एलिमेंट या क्या है, एक अदर पार्ट्स को क्या करता है? रेसिप्रोकेटिंग और ऑस्किलेटिंग मोशन प्रदान करता है, जिसे हम फॉलोअर्स बोलते हैं। मैं पहले एक डायग्राम से समझा देता हूँ किस तरह इस मोशन करता है। जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये हमारा कैम है। कैम क्या कर रहा है? सर्कुलेशन मोशन कर रहा है। इसके साथ ये जो दिख रहा है ऊपर अटैच है, ये क्या है? फॉलोअर है। ये क्या है? अपना सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसको क्या एक गति प्रदान कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग या ऑस्किलेटिंग बोल सकते हैं। क्या ऊपर नीचे ये मूव कर रहा है, किसके द्वारा, किसके गाइडेंस से? एक कैम के गाइडेंस से। तो इस तरह हम जो डेफिनेशन लिखा था, कैम क्या? एक रोटेटिंग एलिमेंट है जो सर्कुलर मोशन करता है, वह एक दूसरे एलिमेंट को रेसिप्रोकेटिंग और ऑस्किलेटिंग क्या गति प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरह आप देख लें किस तरह ये मूव करता है। एक कैम होता है, एक फॉलोअर होता है जो कि कैम के अकॉर्डिंग फॉलो करता है और ये मूव होता है ऊपर नीचे। फ्रेंड्स, आपने देखा है कि वीडियो से देखा कि किस तरह ये गति करता है। क्या होता है? कैम का जो आकार होता है, वह जो फॉलोअर्स होता है उसकी गति पर निर्भर करता है। हैं, कैम एक क्या करता है? फिक्स गति से घूमता है, लेकिन फॉलोअर क्या करता है? कैम की गति के आकार के अनुसार निश्चित होता है, क्योंकि जिस तरह कैम की जो मोशन करेगा, मूव करेगा, उसे उतनी उसी के अकॉर्डिंग फॉलोअर मूव करेगा। क्या होता है? कैम एंड फॉलोअर उन मशीनों के अवयव हैं या एलिमेंट हैं जिनका कार्य जो अपनी मोशन पर निर्भर करता है ना, कौन से मोशन? रेसिप्रोकेटिंग और ऑस्किलेटिंग मोशन पर निर्भर करता है। ठीक है, कैम और फॉलोअर के साथ अधिकतम लीनियर संपर्क बनाए रखती है। कैम क्या होता है? फॉलोअर्स के साथ क्या रहता है? एक लीनियर संपर्क बनाए रखती है तथा कैम का उपयोग विभिन्न प्रकार के जो मशीनें होती हैं उनमें यूज किया जाता है। जैसा कि एक एग्जांपल है इंटरनल कंबस्टन इंजन, जिसमें क्या होता है, जो वॉल्व लगे रहते हैं जो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, एग्जॉस्ट वॉल्व, इनलेट वॉल्व, वो क्या करते हैं? कैम और फॉलोअर यूज होता है वहां पर, वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद अपन इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। समझ में आया होगा कैम एंड फॉलोअर क्या होता है। एक डायग्राम है जो कि एग्जाम में आप बना सकते हैं। इस तरह देखो, ये कैम है, ये फॉलोअर है। ठीक है, ये फॉलोअर होगा, ये गाइड्स हो गए, ये स्प्रिंग लगी हुई होती है। ठीक है, ये ऊपर नीचे मूव करता है, ये क्या करता है? एक सर्कुलर मोशन करता है। तो इस तरह के डायग्राम अपन एग्जाम पर्पज से बना सकते हैं। ऊपर डेफिनेशन लिखी थी, वो डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब हमें क्लासिफिकेशन ऑफ कैम देखते हैं। सबसे पहले कैम को क्लासिफाई करके देख लेते हैं। कैम मेनली वैसे ऑन द बेसिस देखें तो वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन मेन अपन जो देखें वो तो रेडियल और डिस्क कैम और सिलेंड्रिकल कैम। फर्स्ट होता है रेडियल डिस्क कैम, सेकंड होता है सिलेंड्रिकल डैम। अब उनको वन बाई वन समझेंगे विथ डायग्राम। तो नेक्स्ट रेडियल और डिस्क कैम। तो रेडियल से अपन समझ में आ रहा है, जैसा कि अपन क्या बना हुआ है, एक कैम बना हुआ है, फॉलोअर बना हुआ है। जैसे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, रेडियल कैम्स द फॉलोअर रेसिप्रोकेटिंग और ऑस्किलेट इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द कैम एक्सिस। मतलब कह रहा है जो कैम की जो एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करता, फॉलो रेसिप्रोकेट और ऑस्किलेट्स करता, मतलब ऊपर नीचे ये गति करता है। तो जो क्या कह रहा है, किसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में? कैम के एक्सिस के। तो ये क्या करता है, यहाँ पर इस तरह मूव करता है सर्कुलर मोशन में और जी ऊपर नीचे गति करता है, रेसिप्रोकेटिंग और ऑस्किलेट्स। इस टाइप के जो कैम होते हैं उन्हें बोलते हैं रेडियल और डिस्क कैम। नेक्स्ट है सिलिंड्रिकल कैम। क्या होता है सिलिंड्रिकल कैम? क्या होता है एक सिलिंड्रिकल क्या होता है? कैम किस शेप का होता है? सिलिंड्रिकल सेम का रहता है। इन सिलिंड्रिकल कैम्स में क्या होता है? फॉलोअर रेसिप्रोकेट्स और ऑस्किलेट्स। तो रेसिप्रोकेट्स करता है, ऑस्किलेट्स करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द पैरेलल टू द एक्सिस। ये क्या है? एक सिलिंड्रिकल कैम है जिसकी ये एक्सिस है,
इसकी डायरेक्शन मतलब जो यहाँ पर जो फॉलोअर लगा है वो कैसा मूव करेगा, यहाँ एरो से दिख रहा होगा, इस तरह गति करेगा, ये किसके एक्सिस के पैरेलल जो एक्सिस कैम की है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ, तो ऑस्किलेट या फिर जो रेसिप्रोकेट करेगा वो किसके पैरेलल करेगा, एक्सिस के, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है इस तरह करेगा, इधर को इधर जाएगा फिर इधर को जाएगा, तो क्या होता है पैरेलल टू द कैम एक्सिस, द फॉलोअर राइट्स इन द ग्रुप एट द सिलिंड्रिकल सर्फेस, जो सिलिंड्रिकल सर्फेस उसमें ग्रुप्स में फॉलोअर्स को अटैच किया जाता है, सिलिंड्रिकल ग्रुप्स कैम विद द स्पोर्ट एंड द ऑस्किलेट्स फॉलोअर, ठीक है, तो ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें क्या होता है एक सिलिंड्रिकल कैम होता है, उसके एक ग्रुप फॉलोअर्स लगा रहता है, और जो कि क्या क्या करता है जो उसकी एक्सिस होती है कैम्स की उसकी डायरेक्ट उसके पैरेलल डायरेक्शन में ऑस्किलेट्स करता है, मतलब ऊपर आगे पीछे गति करता है। अब फॉलोअर्स के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फर्स्ट होता है नाइपेज फॉलोअर्स, नाइपेज फॉलोअर्स क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं, तो क्या होता है व्हेन द कॉन्टेक्टिंग एंड ऑफ द फॉलोअर, जो फॉलोअर ये बना हुआ है इसका कॉन्टेक्ट जो कैम से कॉन्टेक्ट करता है ए वाला एंड कॉन्टेक्टिंग एंड हैज अ शार्प नाइफ एज, कैसा रहता है शार्प, जिस तरह देख रहा है शार्प बना हुआ कट टाइप का, तो ये क्या शार्प एज हो, तो उससे बोलते हैं नाइफ एज फॉलोअर, याद रखें फॉलोअर का जो जो एंड एज होता है वो नाइफ या शार्प होता है, इसलिए इसको नाइफ एज फॉलोअर बोलते हैं, जो किससे टच करता है कैम से। नेक्स्ट है रोलर फॉलोअर, रोलर फॉलोअर क्या होता है व्हेन द कॉन्टेक्टिंग एंड ऑफ द फॉलोअर इज अ रोलर इट इज कॉल्ड अ रोलर, ठीक है, मतलब जो कह रहा है ये कैम बना हुआ है ये रोलर फॉलोअर है, ये क्या फॉलोअर का जो कॉन्टेक्ट एंड है ये कैसा रोलर टाइप का दिख रहा है आपको, ये गोल गोल टाइप का रोलर टाइप का रहता है जो कि कैम से कॉन्टेक्ट करता है, जो एंड कैम से कॉन्टेक्ट करता है उसको एंड उसी के बेसिस पे इसको डिफाइन किया जाता है, तो जो एंड कंडीशन है जो कैम से टच कर रहा है वो कैसा है रोलर डायरेक्ट रोलर टाइप का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं रोलर फॉलोअर। नेक्स्ट है फ्लैट फेस सर्फेस, फ्लैट फेस फॉलोअर, फ्लैट फेस क्या व्हेन द कॉन्टेक्ट एंड ऑफ द फॉलोअर इज परफेक्टली फ्लैट फेस इट इज कॉल्ड अ फ्लैट फिस्ट, मतलब कह रहा है फ्लैट फेस फॉलोअर वह फॉलोअर होते हैं जिसका कॉन्टेक्टिंग एंड कैसा रहता है एकदम फ्लैट रहता है उसे अपन फ्लैट फेस फॉलोअर बोलते हैं, तो जो एंड दिख रहा है इस पर जो कैम से कॉन्टेक्ट करता है वो एक कैसा रहता है फ्लैट रहता है, तो इसको अपन बोल देंगे फ्लैट फेस फॉलोअर। नेक्स्ट है स्पेरिकल फेस्ट फॉलोअर, क्या लिखा व्हेन द कॉन्टेक्टिंग एंड ऑफ द फॉलोअर इज ऑफ द स्पेरिकल शेप इट इज कॉल्ड अ स्पेरिकल फॉलोअर, मतलब कह रहा है कि स्पेरिकल फेस्ड फॉलोअर वाई फॉलोअर होते हैं जिनका कॉन्टेक्टिंग एंड कैसा रहता है स्पेरिकल शेप में रहता है उसे अपन स्पेरिकल फेस्ड फॉलोअर बोलते हैं, जैसा कि ये फॉलोअर बनाओ इसका जो एंड दिख रहा है जो कि इससे टच करता है कैम से वह कैसा है स्पेरिकल शेप में, इसलिए इसको स्पेरिकल फेस्ड फॉलोअर बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑफसेट फॉलोअर, क्या होता है व्हेन द मोशन ऑफ द फॉलोअर इज अलोंग द एक्सिस अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम सेंटर इट इज कॉल्ड ऑफसेट, मतलब जो कह रहा है जब मूव कैसा करेगा ये जो दोनों की एक्सिस है इससे ऑफसेट मतलब कुछ दूरी पर, तो इसको क्या बोलेंगे ऑफसेट फॉलोअर, जो कि फॉलोअर की एक्सिस से कुछ दूरी पर, ठीक है, उसका सेंटर होगा वहां पर मूव करेगा तो क्या होगा उसे ऑफसेट फॉलोअर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये इंट्रोडक्शन ऑफ कैम एंड फॉलोअर्स का एक फर्स्ट वीडियो था, अब नेक्स्ट इसके जो भी टर्म्स होंगे जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके जो भी टॉपिक बनेंगे वो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके फिर इसके बाद लास्ट में इसके सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पर वीडियो बनाऊंगा, तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो देखते रहें, वीडियो अगर पसंद है लाइक जरूर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाले वीडियो आपके पास पहुँच सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।